आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर केंद्र सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है, जिसके तहत पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रायबरेली में भी एनसीसी के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिले के शहीद जवान के परिजनों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में रायबरेली के 19 शहीद जवानों के परिजनों को सम्मानित किया गया, जो 1947 के बाद देश के लिए वीरगति को प्राप्त हुए। रायबरेली एनसीसी हेडक्वार्टर प्रमुख सीओ सोहेब अनवर ने बताया कि आजादी के अमृत वर्ष के उपलक्ष्य में सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार रायबरेली के शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत एक सेंट्रल भारत सरकार की ओर से शहीदों को शत-शत नमन कार्यक्रम का आयोजित किया गया है, जिसमें हर एक व्यक्ति, हर एक सैनिक जो देश की आजादी के बाद से दुश्मन से मोर्चा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ, उसके निकटतम संबंधियों को एक स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है। इस स्मृति चिन्ह के ऊपर दिल्ली में बने हुए वॉर मेमोरियल की फोटो है और ये सारे स्मृति चिन्ह पर्सनलाइज्ड हैं। वो इस माने में कि इन स्मृति चिन्ह के ऊपर जिस भी शहीद के परिजनों को ये दिया गया है उनका नाम अंकित है। हमारे पिताजी 1962 में शहीद हुए हैं, हम उन्हीं के सम्मान में यहाँ आए हैं। एनसीसी वालों ने बुलाया है और यहाँ पे प्रोग्राम हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, आपको अच्छा लगा।